इससे पहले वाली स्लाइड में हमने ये पीपीटी में देखा था कि इसकी क्रियाविधि किस प्रकार से होती है, इसका इंस्ट्रूमेंटेशन इंस्ट्रूमेंट किस प्रकार से एक के बाद क्रम में रखे जाते हैं। तो सबसे पहले सोर्स था, सोर्स के बाद में टी, जिसे कि हम प्रतिदर्श कोष्ठ या सैंपल सेल कहा जाता है। यह सैंपल सेल जो स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रकार है उसके ऊपर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार का काम में लिया जाएगा, जैसे कि दृश्य स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए कांच का, यूवी के लिए क्वार्ट्ज का, और अवरक्त स्पेक्ट्रा के लिए क्षार धातुओं के हैलाइड का बना होता है। तो सबसे पहले जो प्रकाश है वो प्रतिदर्श कोष, जिसके अंदर की सैंपल रखा जाता है, उसके अंदर से पास होता है, उसमें से कुछ तरंग दैर्ध्य की विकिरणों का अवशोषण हो जाता है। इसके पश्चात वह मोनोक्रोमेटर पर आपतित होता है, जिसमें कि एक रोटेटिंग प्रिज्म होता है जो कि सारी विकिरणों को अलग अलग तरंग दैर्ध्य में विभक्त कर देता है। इस प्रकार से प्रिज्म के घूर्णन के कारण जो है स्कैनिंग की प्रक्रिया होती है। स्कैनिंग के पश्चात ये संसूचक या डिटेक्टर से होता हुआ एम्पलीफायर में जाता है, जहाँ से वह रिकॉर्डर के द्वारा उसके स्पेक्ट्रा जो है वो ग्राफ के रूप में दिखाई देता है। तो अधिकांशतः जब हम स्पेक्ट्रा की बात करते हैं तो इसमें हमारा जो ग्राफ होता है वो लैम्डा और एब्जॉर्प्टिविटी के बीच में होता है, या लैम्डा या एब्जॉर्बेंस के बीच में होता है। अधिकांशतः हम इसी रूप में ग्राफ को प्लॉट किया जाता है, जिस पर कि मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस होती है, वह तरंग दैर्ध्य उसकी अभिलाक्षणिक तरंग दैर्ध्य तो होती है। तो इस प्रकार से किसी भी यौगिक का जो स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है वह अपने आप में स्पेसिफिक होता है, वह यौगिक के भीतर जो संरचना पाई जाती है, जो बॉन्डिंग पाई जाती है, उन सब के ऊपर प्रकाश डालता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि दो प्रकार के स्पेक्ट्रा संभव हैं, एक तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और दूसरा है इमिशन। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में हमें काली रेखाएं प्राप्त होती हैं, और वह और जो इमिशन स्पेक्ट्रा होता है उसमें उसी पदार्थ को जब तापदीप्त किया जाता है तो हमें चमकीली रेखाएं प्राप्त होती हैं। तो इस प्रकार से किसी भी पदार्थ का जो सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन है वो उस पदार्थ की अपनी प्रॉपर्टी होती है, और उस प्रॉपर्टी के द्वारा हम उसका किसी भी प्रकार से यदि वो मिक्सचर में उपस्थित है तो हम यह पता कर सकते हैं कि यह पदार्थ जो है उसकी उपस्थिति पर हम निश्चित रूप से हम रिजल्ट निकाल सकते हैं कि वह उपस्थित है। तो इस प्रकार से हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा कि एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जो नियम है बियर लॉ, बियर लैम्बर्ट लॉ, जिसके द्वारा कि हम किसी भी स्पेक्ट्रा को एब्जॉर्बेंस और लैम्डा के बीच में जो संबंध स्थापित किया गया है उसको हम बता सकते हैं, उस पर विस्तृत रूप से हम बाद में विवेचना करेंगे।